जय गुरुदेव। यमलोक मार्ग। यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह सदा दुख और क्लेशों को देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं, हे गुरु, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति न हो? सतगुरु का उत्तर। संसार भाव के प्राणी अपने अपने स्वतंत्र स्वभाव में बहते रहते हैं। गुरुजन, माता पिता और बड़े सज्जन आदि जनों से दूर रहते हैं और इनकी आज्ञा के पालन करने में सर्वदा अवहेलना करते हैं। इसी प्रसंग में यमलोक का भी वर्णन करूँगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तपा रहता है। प्रत्येक जीव को मृत्यु के बाद यमलोक मार्ग से जाना पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मानव पाप लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक है, जिनके भीतर पापी दुराचारी मनुष्यों को पृथक पृथक यातनाएं दी जाती है। उन नरकों के नाम ये हैं: नरक, रोरव, रोद्र, सूकर, ताल, कुंभीपाक, महाघोर, शालमल, विमोहन, किताप, कृमिभक्ष, लालभक्ष, भ्रम, पीप बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्निज्वाला, महारोद्र, संदश, शुनभोजन, घोर वेतरणी और असी पत्र बन। यमलोक मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और पोखरे हैं, न बावड़ी न पुष्करणी है, न नदी एवं पर्वत है और न ठहरने योग्य कोई स्थान ही है जहां अत्यंत कष्ट में पड़ा थका मादा जीव विश्राम कर सके। उस महान कष्ट के पथ पर सब पापियों को निश्चित ही जाना पड़ता है। जीव की जितनी आयु नियत है उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी प्राणों को त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विषुदा रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है। 5 तत्व से बने हुए विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपनी निजी कर्मानुसार इस किराए के मकान से निकाला जाता है। केवल यातना भोगने के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश किया जाता है। दुख और सुख से निर्वृत्त होने के लिए मनुष्य पापाचारी शरीर में बसने वाली जीवात्मा कर्म फल भोगने की भागी होती है और महान कष्ट का सामना करना पड़ता है। पापाचारी जीव। पापाचारी जीव चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, घूस लेते हैं, पर नारियों को बर्बाद करने में अपनी शान समझते हैं। छोटी बालिकाओं का जीवन कन्या के रहते हुए भी नष्ट कर देते हैं। बिना दया के दूसरे जीवों के शरीर के टुकड़े करना अपना धर्म समझते हैं। दया का तो एक कण नहीं रहता। जानवरों की भांति अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जहां भी जाते हैं वहां अपनी ही स्त्रियां समझते हैं। यही बुद्धि प्रवाह रूप बहती है। असत्य में फंसा देना अपनी बुद्धिमता समझते हैं। बिना देखे दूसरे को आरोपी व अपराधी साबित करते हैं। सज्जनों के दुश्मन होते हैं, पर निंदा तो उनके जबान पर होती है और स्वप्न में निंदा की हुंकारी लगाते हैं। ग्रंथ, पुराण, रामायण, गीता के विद्रोही रहते हैं, सत्य प्रचार होने देते नहीं हैं। उसमें सदा निशाचरों की भांति बाधा पहुंचाते हैं। राज्य का उल्लंघन करना उनकी प्रकृति में रहता है। केवल खाना और सोना, ताश आदि जुआ खेलना और व्यासिनी वस्तुओं का सेवन करना अपनी पूजा समझते हैं। जो कोई मिलने जाता है उसको कहला देते हैं कि हुजूर साहब पूजा अंदर कर रहे हैं, और हुजूर साहब उसी वक्त चाय आदि पीते या हंसी दिल्लगी करते हैं। जरूरत वालों से मिलना उस वक्त होता है जब वह इनकी पूजा कई हजार रुपयों में करें। पापाचारी कुकर्मी जीवों की दुर्दशा।
पापाचारी जीवों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट यमदूत हाथों में हथौड़ी एवं मुग्दर लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता माता तथा चाचा पुत्र आदि दोस्तों को पुकारता है और खतरनाक आवाज़ में चिल्लाने लगता है। उस वक्त उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती है, एक शब्द एक ही आवाज़ जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आँखें कांपती है और उसी भय में उसका मुख सूख जाता है, आँखें ऊपर को उलटने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को भी छोड़ देता है और फिर यम के डोरी के आधार पर चलता है। फिर इसका वहाँ इंसाफ होता है, तब फिर इसको दूसरा शरीर दिया जाता है जो रूप रंग रेखा में इसी शरीर से मिलता जुलता है, परंतु पिशाच शरीर होता है। पिशाच शरीर माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए मिलता है। उसी पिशाच शरीर से यातना भोगनी पड़ती है। तुरंत ही यमराज के दूत उसे कांटों के रस्से में बांध लेते हैं। मृत्युकाल आने पर जीव को दारुण दुख होता है, जिस दुख से जीव अत्यंत दुखित हो जाता है और महान भयंकर आवाज में चिल्लाता है। उस समय भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता भाई स्त्री मामा चाचा मित्र और गुरु, इन सब से नाता टूट जाता है। सभी सगे मित्र संबंधी आँखों में आंसू भरे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक की यात्रा के लिए उसी खतरनाक यमदूतों के रास्ते पर चल पड़ता है। वह मार्ग अंधकार पूर्ण अपार अति भयंकर और पापियों के लिए अति दुर्गम होता है। यमदूत पाश में बांध कर उसे खींचते और मुग्दरों से पीटते हुए विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं और समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने के लिए होते हैं। उनके मुख विकराल और नासिका टेढ़ी, आंखें तीन, ठोड़ी कपोल और मुंह फैले हुए तथा लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से अग्नि की लपटें निकलती रहती है। पाश, सांकल और दंड से भय पहुंचाने वाली महाबली, महाभयंकर यम किंकर यम की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है उसे ही यमराज के दूत यम के लोक में ले जाते हैं। वे उसे कालपाश में बांस कर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की सांकल ब्रज के समान कठोर होती है। यह किंकर क्रोध में भर उस बंधे हुए जीव को भली भांति पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ाकर गिरता है, रोता है और हाय बाप, हाय मैया, हाय पुत्र, हाय स्त्री, हाय देवी कहकर बारंबार चीखता और चिल्लाता है। तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे शूलों, मुग्दरों, खंडगों और शक्तियों के प्रहार और ब्रजमय भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते और पीटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित और मूर्छित होकर इधर उधर गिर पड़ता है। फिर भी वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं त्रास पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख के रुदन करते हुए जीव को उसी मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे उद्गिन हो उठते हैं, यानी भय से बेहबल शरीर से कांपने और दौड़ने लगते हैं। जो मार्ग उनके चलने का है उसमें कांटे बिछे होते हैं और कुछ दूरी तक तपी हुई बालू पड़ती है। जिन मनुष्य ने सात्विक भाव से परोपकार नहीं किया
और जीवों को आराम नहीं पहुंचाया, वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं। जीव हिंसक मनुष्य के सब और मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी रहती है। जिन जिन जीव जंतुओं को मार कर उसकी चमड़ियाँ जीते जी उधेड़ कर बुद्धिहीन मनुष्य सेवन करते हैं, शरीर त्यागने के पश्चात उनके इर्द गिर्द वे आत्माएं जिनको उन्होंने बुद्धिहीनता से भक्षण किया था चिल्लाती और चीखती है। इनकी जली और फटी हुई चमड़ी के मैदे से रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे वेदना से पीड़ित होकर जोर जोर से चिल्लाते और चीखते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं और वे मुंह फाड़ कर कहते हैं कि इनको छोड़ो, मैं इनका भक्षण करूंगा। उस वक्त शक्तिदायक यमदूत खंडक, तोमर, बाण, तीखी नोक वाले शूलों से उसका अंग अंग विदीर्ण कर देते हैं। कुत्ते, बाघ, भेड़िए इनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय आरों से चीर जाते हैं अथवा सुअर अपने डाढ़ों में दबाकर उनके शरीर को फाड़ देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं, वे शास्त्रों द्वारा अथवा ऋषियों की वाणी द्वारा छिन्न भिन्न व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते व मरवाते हैं, वे राक्षसों के ग्रास बन करके उस पथ की यात्रा करते हैं। जो पराई स्त्री के वस्त्र उतारते हैं अर्थात उन्हें भ्रष्ट करते हैं, वे नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा, पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं, यमलोक मार्ग पर पत्थरों व लाठियों और डंडों से मार कर उन्हें जर्जर कर दिया जाता है और वे अंग प्रत्यंग से प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो निरपराध नरक की परवाह न करके साधु सज्जनों का धन हड़प लेते हैं, उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं, उन्हें सूखे कांटों में बांध कर आँखें फोड़ दी जाती है और नाक कान काट दिए जाते हैं, फिर उनके शरीर में पीप और रक्त बदबूदार पोत दिए जाते हैं तथा काल के सामने गिद्ध और गीदड़ उन्हें नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में क्रोध से भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर घसीटे जाते हैं। संत और साधुओं के साथ अपमान, दुर्व्यवहार अर्थात उनके साथ चतुरता करने वालों की यही दुर्गति होती है। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। इसे रौरव नर्क कहते हैं। यह रौरव नर्क जीवों को रुलाने वाला है। वह नीची ऊंची भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम है। तपाए हुए तांबे की भांति उसका वर्णन है। वहां अग्नि की चिंगारियां और लपटें दिखाई देती है। वह मार्ग कंटकों और संकटों से भरा है। शक्ति और नुकीले ब्रज आदि आयुधों से व्याप्त है। ऐसे कष्टप्रद नुकेले मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारते हैं। इस तरह पाप युक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए यमदूतों के द्वारा यमलोक में ले जाए जाते हैं। यमराज सेवकों अर्थात यमराज के पुलिस सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं, जिस प्रकार पुलिस एक मुस्लिम को पकड़कर अवहेलना पूर्वक ले जाती है। वह अत्यंत भयंकर मार्ग समाप्त हो जाता है। तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे से बनी भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं। यह यमपुरी बहुत विशाल है। उसका विस्तार लाख योजन का है। वह चौकर है। उसके सुंदर दरवाजे हैं जिसकी चार दीवारी सोने से बनी है, जो हजार योजन ऊंची है। इस पुरी का पूर्व द्वार बहुत सुंदर है। यहाँ फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती है। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया हुआ है। वहाँ गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है।
उस नर्क का उत्तम द्वार, घंटा, छत्र, छमर तथा नाना प्रकार से अलंकित है। वहाँ वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनियाँ गूंजती रहती है। गीत, मंगल तथा ऋग्वेद आदि के सुमधुर शब्द होते हैं। वहाँ ऋषियों का समुदाय शोभा पाता है। इस उत्तर द्वार से उन्हीं पुण्य आत्माओं का प्रवेश होता है। यमलोक के दक्षिण द्वार तथा नरकों का वर्णन। पापी जीव दक्षिण द्वार में होकर किस प्रकार यमपुरी में प्रवेश होते हैं, यह हम सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। सुनो, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वहाँ सदा हिंसक जीव जंतुओं, गीदड़ियों के शब्द होते रहते हैं। वहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत, पिशाच और राक्षसों से यह द्वार सदा घिरा रहता है। पापी जीव दूर से उस द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें सांकड़ों से बांधकर घसीटते और निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं, साथ ही डांटते फटकारते रहते हैं। होश आने पर वे खून से लथपथ होकर पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। मार्ग में कहीं कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं कहीं छुरे की धार के समान तीक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता है और कहीं ऐसे गड्ढे होते हैं जिनको पार करना असंभव सा हो जाता है। कहीं कहीं लोहे की सुई के समान कीले गड़ी होती है। कहीं कहीं तपे हुए अंगारे अग्नि के बिछे होते हैं। पापी जीवों को उसी मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है। कहीं ठेले, कहीं तपाई हुई बालू और तीखे कांटे होते हैं। कहीं तपी हुई पत्थर शिला होती है। कहीं दूषित जल और कहीं कंडे की आग से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं सीए, भेड़िए, बाघ और भयंकर कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी जोंक और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियाँ, विषैले सांप और खूंखार बलिष्ठ हाथी चीड़ा फाड़ा करते हैं। खूरों से खोदने वाले मार्ग को खोदते हुए तीखे सींगों वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे और मतवाले चीते सबको कष्ट देते हैं। भयानक, डरावने और भीष्म रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके निराशय जीवों को कष्ट पहुंचाती रहती है। कहीं कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाता है। कहीं बड़े जोर से बाणों की वर्षा होती है जिससे सब अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं बिजली और बादल गड़गड़ाहट के साथ उल्कापात होते रहते हैं और ज्वलित अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी कभी धूल की वर्षा होने से सारा शरीर धूल से भर जाता है। धूल के जो कण होते हैं और जो कण शरीर में आकर लगते हैं वह बाणों की भांति शरीर को चुभने लगते हैं। ये बालुका के कण महादुखदायी होते हैं। मेघों के भयंकर गर्जन से जीव को अति दुख होता है। बाण वर्षा से घायल हुए शरीर पर खारे जल की धारा गिराई जाती है और उनकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं अत्यंत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी पड़ती है तथा कहीं सूखी और कठोर जहरीली वायु का सामना करना पड़ता है। इससे पापी जीव के अंग से बीवाई फट जाती है। वे सूखने व सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग पर न तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है और न ही कहीं कोई सहारा दिखाई देता है। इस मार्ग से पापी जीव को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जन और उजाड़ देश दृष्टिगोचर होता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक पहुंच पाते हैं। यमराज की आज्ञा पालन करने वाले दूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। साथ में कोई मित्र भी नहीं होता है। जीव अपने कर्मों को सोचते हुए रोते रहते हैं। प्रेतों का उनका शरीर होता है। उनके कंठ, होठ और तालू सूखे रहते हैं।
वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत हो जाते हैं, सुधांगनी की ज्वाला से जलते रहते हैं, कोई सांकल में बंधे होते हैं, किसी को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटते जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यंत दुख होता है, उन्हें खाने को अन्न और पीने को पानी नहीं मिलता, वे भूख प्यास से पीड़ित हो हाथ जोड़ दीन भाव से आंसू बहाते हुए और विलाप कर याचना करते हैं और कहते हैं कि कुछ दीजिए, इसी का रट लगाए रहते हैं। उनके सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भात, सुगंधयुक्त दूध और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वह बारंबार उनके लिए याचना करते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध से आंख लाल करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणी में कहते हैं, ए पापियों, तुमने समय पर संतों, ऋषियों, मुनियों, साधु और योगी जनों के उपदेश को क्यों नहीं सुना और उनकी वाणी की मनमानी अवहेलना की और निंदा करने में और उन्हें दुख पहुंचाने में क्या क्या उपाय किए? तुम पर नारियों के बिगाड़ने में, चोरी, मांस आदि व्यासिनी वस्तुओं का सेवन करने में लगे रहे, अर्थात साधु संत की तनिक स्वागत नहीं किया और शास्त्रों और संतों की वाणियों का मनमानी अर्थ निकाल कर घटाते रहे। ए पापियों, होशियार, आवाज़ देते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। तुमको बहुत दफ़ा मना किया, उस वक्त अपने मद में चूर थे, बल में चूर थे, धन में चूर थे, जाति में चूर थे, हुकूमत मद में चूर थे। होशियार, तलवार लेकर यमदूत उसकी ओर दौड़ते हैं, फिर कहते हैं, उसी का फल तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं डूबा था, राजा ने नहीं छीना था, चोरों ने नहीं चुराया था, तब भी तुमने साधु संतों और अतिथियों की सेवा में अपना आत्म कल्याण क्यों नहीं किया? इसी धन की सेवा से तुम उन महान आत्माओं के पास जाते जिनकी दया से आत्म कल्याण होता। इस वक्त तुम्हें कहाँ से कोई प्राप्त हो? तुम सुगंधियों पदार्थों को पाने एवं खाने की इच्छा मत करो। यमदूत की बात सुनकर पापी जीवन की अभिलाषा छोड़ देते हैं और भूख से चिल्लाते रहते हैं। सर्वदा यमदूत उन्हें भयानक असरों की पीड़ा देते रहते हैं। मुगदर, लोहादंड, शक्ति तोमर, पहीश, गदा फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर प्रहार किया करते हैं और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट कर खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और न बाहर ही निकल पाते हैं, अत्यंत दुखी होकर रुदन किया करते हैं। इस प्रकार भांति भांति की पीड़ा देकर यमदूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते हैं और उस स्थान पर ले जाते हैं जहां सबका इंसाफ न्याय होता है, न्याय करने वाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहां पहुंचकर वे दूत यमराज को उन पापियों के आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं। चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीवों, तुमने दूसरों के धन का अपहरण, चोरी एवं घूस और दूसरों को दुख देकर किया है। अपने रूप एवं वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुम स्वयं भोगो। यह क्यों किया? अब क्यों शोक करते हो? अपने कर्मों से ही पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों का उपार्जन किया है उन्हें अब भली भांति भोगो। इसमें किसी का कुछ दोष नहीं है। ये जो लोग हमारे पास आए हुए हैं उन्हें भी अपने राज्य का बड़ा घमंड था। इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी एवं मलिन थी। तत्पश्चात यमराज राजाओं की ओर दृष्टिपात करके कहते हैं, अरे ये दुराचारी नरेशों, तुम लोग प्रजा का विध्वंस करने वाले हो।
थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया? तुमने राज्य के लोभ मोह मद बल तथा अन्याय से जो प्रजा को कठोर दंड दिया है उनका यथोचित फल इस वक्त भोगो। कहाँ गया वह राज्य, कहाँ गई वह रानियाँ जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? उनको छोड़कर तुम असहाय अकेले खड़े हो। यहाँ सारी सेना दिखाई नहीं देती जिनके द्वारा प्रजा का तुमने दमन किया। इस वक्त यमदूत तुम्हारे अंग फाड़ डालते हैं, देखो उस पाप का अब कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के वचनों को सुनकर राजा लोग चुपचाप खड़े हैं। तब उनके पापों की शुद्धि के लिए यमराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, वो चंड महाचंड इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ और क्रमशः नरक की अग्नि में तपा कर उनके पापों के दंड से इन्हें मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाकर यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौट कर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटकते रहते हैं, मानो ब्रश से किसी वृक्ष पर प्रहार करते हो। इससे पापी शरीर जर्जर हो जाता है, उनके प्रत्येक छिद्र से रक्त की धार बहने लगती है और वह हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। शीतल वायु के स्पर्श होने पर उन्हें चेतना आनी प्रारंभ होती है। तब यमराज के दूत उन्हें पापी की शुद्धि के लिए नरक में डालते हैं। फिर पापियों के विषय में यमराज से निवेदन करते हैं कि आपकी आज्ञा अनुसार हम दूसरे पापी को भी ले आए हैं। यह सदा धर्म के विमुख पाप परायण रहा है, यह व्याध है, इसने महापातक और उत्पात सभी किए। यह अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में संलग्न रहा है। यह जो दुष्ट आत्मा खड़ा है अगम्या स्त्रियों के साथ समागम करने वाला है, इसने दूसरों के धन का भी अपहरण किया है। यह कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कृतधन तथा मित्रों को धोखा देने वाला है। इस दुरात्मा ने बदोन्मत होकर धर्म की निंदा की है, मृत्यु लोक में केवल पाप के ही आचरण किए हैं। मैंने आपकी आज्ञा अनुसार खड़ा कर दिया है, आपके सेवक हैं, अब क्या करें, आप आज्ञा दें। यमदूत उस पापी को यमराज के सामने सम्मुख करके वहां से दूसरे पापियों को पकड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। जब पापी पर लगाए हुए दोष की सिद्धि हो जाती है तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उसे दंड देने का आदेश देते हैं। ऋषियों के द्वारा जो विधान लागू किया हुआ है उसके अनुसार यम किंकर दंड देना प्रारंभ करते हैं। त्रिशूल, बर्छा, भाला, मुग्दर, तीरों से और भांति भांति की तलवारों से उस पापी के शरीर को विदीर्ण कर डालते हैं। अब नरकों के भयंकर रूप का वर्णन सुनो। महावीर्य नामक नरक। महावीर्य नामक नरक पीप से सर्वदा भरा रहता है, उसमें ब्रज के समान कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन का है। उसमें डूबा पापी जीव कांटों से बिंद कर अत्यंत दुख भोगता है। गोमों का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में 1,00,000 वर्षों तक निवास करता है। कुंभी पाक का नरक। कुंभी पाक का नरक 100 योजन का है। वह अत्यंत भयंकर नरक है। वहाँ की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़ों से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। साधु ब्राह्मण की हत्या व घरों को अपहरण करने वाला पापी उस नरक में डालकर प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। रौरव नामक नरक। रौरव नामक नरक प्रज्वलित ब्रजमय त्रिशूलों से व्याप्त रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उसमें गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से घिरकर यातना भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य उसमें ईक की भांति पेरे जाते हैं। मंजूस नामक नरक। मंजूस नामक नरक लोहे से बना हुआ है। वह सदा अग्नि की भांति जला करता है।
उसमें वे ही डालकर जलाए जाते हैं जो दूसरों को निरअपराध बंदी बनाते हैं और अपने स्वार्थ में आकर धोखा देते हैं और किसी की सत्य बात मानने को तैयार नहीं है। साधु संतों और सज्जनों का सदा अपमान करते हैं। अप्रतिष्ठित नामक नर्क पीप व मूत्र और विष्ठा का भंडार है। अप्रतिष्ठित नामक नर्क में जो सज्जन व ब्रह्मवेता ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाला पापी है, नीचे मुंह करके इसी नर्क में गिराया जाता है, जिसका कष्ट अति दुखदायी है। विलेपक नामक घोर नर्क लोहे की आग से जलता रहता है। विलेपक नर्क में मदिरा पीने वाले और परनारियों के साथ गमन करने वाले दिज अथवा कोई भी मनुष्य इस नर्क में डालकर जलाए जाते हैं। इन जीवों का वहां से निकलना होता ही नहीं है। महाप्रभ नामक विख्यात नर्क बहुत ऊंचा है। महाप्रभ नर्क में चमकते हुए शूल नुकीले गड़े होते हैं, जो लोग पति और पत्नी में भेद डालकर उनके जीवन को नष्ट कर देते हैं, उन्हें शूल से छेदा जाता है। महान दुख उन शूलों को छेदने से होता है। जयंती नामक नर्क घोर नर्क है। जयंती नामक नर्क में लोहे का विशाल पहाड़ के सदृश चट्टान पड़ा रहता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने वाले मनुष्य उसी चट्टानों के नीचे जलाए जाते हैं, जिसमें गर्मी इतनी होती है जैसे गर्म बालू में चना डाल दिया और तुरंत खिल जाता है। इसी तरह जीव भुने जाते हैं। शालमाल नामक एक नर्क है। वहाँ शालमल का आलिंगन करना पड़ता है। उस समय पीड़ा सी हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते हैं और दूसरे के मर्म को कष्ट पहुँचाने वाली कटु वाणी मुँह से निकालते हैं, मृत्यु के समय उनकी जीवा यमदूतों द्वारा काट ली जाती है। महारौरव नामक नर्क। जो आशक्ति के साथ कटाक्ष पूर्वक पराई स्त्रियों की ओर देखते हैं, यमराज के दूत बाण मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो माता बहन कन्या और पुत्रवधु के साथ समागम तथा स्त्री बालक बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नर्क यातनाओं में पड़े रहते हैं। महारौरव नामक नर्क ज्वालाओं से परिपूर्ण तथा अत्यंत भयंकर है। महारौरव नर्क का विस्तार 14 योजन का है। जो मूड नगर घर अथवा खेत में आग लगाते हैं, वे एक कल्प उसमें पकाए जाते हैं। यमराज के दूत चोरों को उसी में डालकर शूल शक्ति गदा और खंडक से उन्हें 300 कल्प तक उसी में पीटते रहते हैं। महातामिस्त्र नामक नर्क और भी दुखदायी है। उसका विस्तार तामिस्त्र की अपेक्षा दूना है। उसमें जोंके भरी हुई है और निरंतर अंधकार छाया रहता है। जो माता पिता और मित्र की हत्या करने वाले विश्वासघाती हैं, वे जब तक पृथ्वी रहती है तब तक उनमें पड़े रहते हैं और जोंके निरंतर उनका रक्त चूसती है। असीपत्र बन नामक नर्क तो बहुत ही कष्ट देने वाला नर्क है। असीपत्र बन नर्क का विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खंडक पत्तों के रूप में व्याप्त है। वहां गिराया हुआ पापी खंडक की धार के समान पत्तों द्वारा क्षत विक्षत हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखकर काटा जाता है। उसकी पीड़ा खतरनाक है। करंब बालुका नामक नर्क 10,000 योजन विस्तृत है। करंब बालुका नर्क का आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू अंगारे और कांटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उत्पातों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है या निरपराध अपने तामस बुद्धि में आकर नुकसान पहुंचा देता है, बिना विचारे किसी जीव की हिंसा करता है,
जिसका शरीर अपने खंडक से काट कर उधेड़ देता है और काटते वक्त उसे दर्द नहीं होता, ऐसे मनुष्य इस नरक में डाले जाते हैं और 110,300 वर्षों तक उन्हें जलाया जाता है और शूल मारे जाते हैं। बड़ा भारी दुख होता है, बिना गुरु के यह गति पाई जाती है। काकोल नामक नरक। काकोल नामक नरक कीड़ों और पीप से भरा रहता है, जो दुष्ट आत्मा दूसरों को न देकर अकेला ही मिष्ठान उड़ाता है वह उसी में गिराया जाता है। जो किसी के हक को अपनी जीवा के स्वाद हेतु छीन लेता है उसको इसी नरक में डाला जाता है। कुडमल नामक नरक। कुडमल नामक नरक विष्ठा मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंच अग्नि का अनुष्ठान नहीं करते, यानी 5 इंद्रियों का दमन नहीं करते, वे इसी नरक में गिराए जाते हैं। महाभीम नामक नरक। महाभीम नरक अत्यंत दुर्गंध तथा मांस और रक्त से पूर्ण है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं और उनके नाक मुंह कान आँख में पीप भरा रहता है, हर रंग से दुर्गंध आती है। महावट नामक नरक। महावट नामक नरक मुर्दों से भरा होता है और उसी में चीख रोने और हाय हाय करने की आती है। वह बहुत कीटों से व्याप्त रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचते हैं वह नीचे मुंह करके उसी में गिराए जाते हैं। तिलपाथ नामक नरक। तिलपाथ नामक नरक प्रसिद्ध है। तिलपात नरक बहुत ही भयंकर है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं वह उसमें तिल की भांति पेरे जाते हैं। तेलपाक नामक नरक। तेलपाक नरक में खोलता हुआ तेल भूमि पर गिरा रहता है। जो मित्र तथा शरणागत की हत्या करते हैं वे उसी में पकाए जाते हैं। ब्रज कपाट नामक नरक। ब्रज कपाट नामक नरक ब्रजमय है। ब्रज कपाट नरक बहुत दुखपूर्ण है, जिसमें शिलाएं जलती रहती है। जिन व्यक्तियों ने धोखा दिया वह लोग इन्हीं शिलाओं के साथ बांधे जाते हैं। निहच्छवास नामक नरक। निहच्छवास नामक नरक अंधकार पूर्ण है। निहच्छवास नरक अंधकार से पूर्ण और वायु से रहित है। जो किसी अतिथि अथवा सास सेवी ब्राह्मण के दान में रुकावट डालता है वह निश्चेष्ट करके उसमें डाला जाता है। अंगारोपमय नामक नरक। अंगारोपमय नामक नरक दहकते हुए अंगारों से पूर्ण है। जो लोग दान देने की प्रतिज्ञा करके साधु संत ब्राह्मण और अतिथि को नहीं देते हैं वे उसी नरक में जलाए जाते हैं। महापापी नरक। महापापी नरक का विस्तार 1,00,000 योजन का है। महापापी नरक में वह लोग डाले जाते हैं जो सदा असत्य बोला करते हैं। उन्हें नीचे मुंह करके उसी नरक में डाल दिया जाता है। जो स्त्री अपने पति को अपशब्द कहती है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करती है वह इसी नरक में डाली जाती है। महाज्वला नामक नरक। महाज्वला नरक महा आग की लपटों से प्रकाशित एवं भयंकर होता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाए हैं उन्हें दीर्घ काल तक उसी में जलाया जाता है। क्रकच नामक नरक। क्रकच नामक नरक खोलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है वह उसी में डालकर जलाया जाता है। गुड़पाक नामक नरक। गुड़पाक नामक नरक खोलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है वह उसी में डालकर जलाया जाता है। शुरधार नामक नरक। शुरधार नरक तीखे उस्तरों से भरा रहता है। जो ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण की भूमि हड़प लेते हैं वे लोग एक कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं। अम्बरीश नामक नरक। अम्बरीश नरक में वह मनुष्य निवास करता है जो घूस लेता हो, सोने की चोरी करता हो और पर नारियों को खराब करता हो, ऐसा मनुष्य अम्बरीश नरक में करोड़ों वर्ष तक प्रज्वलित अग्नि में जलता है
और उसी में दग्ध होता रहता है। ब्रजकुठार नामक नर्क ब्रजों से संपूर्ण व्याप्त है, जो दूसरों की निंदा करते हैं अथवा अकारण किसी की जड़ काटते हैं इसी में डाल कर काटे जाते हैं। परिताप नर्क भी प्रलयाग्नि से परिपूर्ण है। विष देने तथा गोली से मारने वाला पापी मनुष्य उसी में यातना भोगता है। कालशूल नर्क ब्रज में शूल से निर्मित है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं वे उसी कालशूल नर्क में घुमाए जाते हैं। इस नर्क में उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कश्मल नर्क मुख और नाक के मल से भरा होता है। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखा जाता है। उग्रगंध नर्क मल मूत्र विष्ठा से पूर्ण है। जो माता पिता गुरुजन अतिथि और अपने कुल के धर्म के सहित सेवा नहीं करते उसी नर्क में डाले जाते हैं। ब्रज महापीड़ नर्क ब्रज से संपूर्ण है। जो दूसरों के धन धान्य व स्वर्ण की चोरी करते हैं यमदूत उन चोरों को छुरों से क्षण क्षण पर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी के हत्या करके गिद्ध शिकार और कौवे की भांति खाते और जायका लेते हैं उन्हें एक कल्प तक अपने शरीर का मांस ब्रज महापीड़ नर्क में पहुंचकर खिलाना पड़ता है। यमदूत इसी नर्क में डालकर खुद काटते हैं और दूसरों से कटवाते रहते हैं। असहनिक नर्क है। जो अनायास किसी प्राणी को दुख पहुंचाते हैं अथवा नाना भांति की चोरी करते हैं ऐसे आतताई जीवों को यमदूत पत्तों में रखकर जला देते हैं। जो मनुष्य पराए धन और पराई स्त्रियों को खराब करते हैं यमदूत उनकी छाती में गर्म सूल गाड़ देते हैं और उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ डालकर कोट देते हैं। उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा करते हैं जो वर्णन में नहीं आ सकती, लिखने में लिखा नहीं जा सकता। जिन लोगों ने समाज की रीतियों को नष्ट कर दिया, जिन प्राणियों ने समाज की मर्यादा को नहीं अपनाया, जो प्राणी धर्म चुस्त हुए और इच्छाचारी बन गए उनसे यम महाराज पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया? क्या तुम्हें संतों महात्माओं अथवा बुद्धिमानों ने नहीं समझाया था? या तुम्हारे समझाने के लिए धर्म ग्रंथ नहीं थे? माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन क्यों हुआ? जब जीव जवाब नहीं दे पाता तो उस वक्त यम महाराज हुक्म देते हैं अपने यमदूतों से कि इसको अपने लोक में ले जाओ। तब वे जीव को अपने लोक में बुरी तरह से पीटते हुए ले जाते हैं। संसार के दुख पाने वाले प्राणी तुम्हें इस मृत्यु मंडल में चंद दिन ही रहना होता है। पापी जीवों को कभी कभी यमदूत अपने हाथों पर उठा लेते हैं और उस खाई में फेंकते हैं जो 10,000 योजन नीची है, जिसके देखने में मालूम होता है कि ऊबड़ खाबड़ और अनेक प्रकार के झंकारों से युक्त है और ज्वाला भी जलती हुई नजर आती है। पाप करने वाले मनुष्यों, तुम्हें पाप करके आनंद तो चंद दिन तलाश करना है, परंतु दुख की जगह में सर्वदा के लिए जाना है। इससे बचने के लिए धर्मयुक्त महात्मा जनों का सत्संग करो, वरना दुख सागर में पहुंच जाने पर कोई तुम्हारी सहायता न करेगा। पापीचारी जीवों, स्त्रियों में सुख कदापि नहीं है। वह तो सुख तुम्हें भूल से प्रतीत होता है कि सुख मिलेगा, परंतु वह सुख 1 सेकंड का है, जो कि तुम्हारे 1 कण की शक्ति का आनंद है। तुम फिर इसके बाद सुख की तलाश करना आरंभ कर देते हो। सुख धन में नहीं है, सुख मान और राज्य में भी नहीं, सुख तुम्हारी अंतरात्मा में है। इसी सत्य चैतन्य को इस आनंद स्वरूप से जोड़ो, जिसके साथ संबंध करने से सर्वदा के लिए आनंद स्वरूप बन जाओगे। अंतर की अवस्था महात्मा सब अपनी आँखों से देखा करते हैं और महात्माओं को दुख है कि संसार अंधकार में दौड़ रहा है, जिसका फल दुख के अतिरिक्त सुख कभी न होगा। जय गुरुदेव।